लखनऊ हजरतगंज जीपीओ में देववाणी संस्कृत उत्थान के एसोसिएशन संखनाथ के साथ अर्ध नंग अवस्था में धरना प्रदर्शन किया गया है। देववाणी संस्कृत के सम्मान में लंबी चौड़ी बातें करने वाली भाजपा की सरकार सत्ता में है, फिर भी संस्कृति की तरफ ध्यान नहीं है। इसलिए संस्कृत विद्यालय के एवं महाविद्यालय के संस्कृत शिक्षक आत्मदाह करने के लिए मजबूर हैं। देववाणी संस्कृत का जोर शोर से प्रचार करने वाली भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है तथा उत्तर प्रदेश में भी है, फिर भी दुर्दशा हो रही है संस्कृति की। इसके लिए हमें प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इस मामले में कहना है कि जब संस्कृत भाषा में शपथ ग्रहण किया गया था तब हमें आशा जगी थी कि जरूर उत्थान होगा, लेकिन बाद में स्थिति जस के तस ही नहीं उससे भी खराब हो चुकी है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्रनाथ पांडे है। मैं देववाणी संस्कृत उत्थान एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। संस्कृत जगत की जो विसंगतियाँ हैं, जो समस्याएँ हैं, मैं अपने संगठन के माध्यम से वो लड़ाई लड़ता हूँ। आज हम लोगों ने जो धरना किया है शंखनाद के साथ अर्धनग्न होकर के, इस धरने का हमारा मूल उद्देश्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देववाणी संस्कृत के उत्थान की और सम्मान की हमेशा बात करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब प्रदेश में बनी थी तो प्रदेश का संस्कृत जगत इस बात को लेकर के बहुत उत्साहित हुआ था, प्रसन्न हुआ था और आशान्वित भी था कि संस्कृत से संबंधित जितनी समस्याएं हैं वो सब हल होंगी। इसमें लगभग 250 संस्कृत विद्यालय आज भी ऐसे हैं जिनके शिक्षक 35 साल 40 साल से बिना किसी आर्थिक सहयोग के देववाणी संस्कृत की सेवा कर रहे हैं। इन जो 250 प्रदेश में विद्यालय और महाविद्यालय वित्त विहीन हैं, इनके शिक्षकों को सरकार की तरफ से कोई अनुदान नहीं मिलता है। हमारा बहुत ज़्यादा बजट भी सरकार से लेने का नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 50 करोड़ 60 करोड़ रुपए में सारे विद्यालय अनुदानित हो जाएंगे और यह विद्यालय जीवित रहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सरकार से यही अनुरोध कर रहा हूँ कि हम लोग जब से सरकार बनी है बहुत आशा के साथ निरंतर धरना करना पड़ा, प्रदर्शन करना पड़ा, आमरण अनशन करना पड़ा, आत्मदाह तक की स्थिति पैदा हो गई में, जबकि हम ऐसी कहने का मतलब है योगी सरकार सक्षम नहीं है सरकार चलाने में। अब सरकार सक्षम है नहीं है, मैं और मुद्दों की बात तो नहीं करता हूँ, ये लोकसभा के चुनाव में खुद इसका निराकरण हो जाएगा। लेकिन हमारे जो संस्कृत विद्यालय वित्तविहीन विद्यालय, इनके अनुदान के मुद्दे पे सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं किया। अनुदान का मामला 2007 से चल रहा, इसका निस्तारण नहीं हुआ। तो आप क्या करेंगे इसके अलावा? अब अगला कार्यक्रम, हमारे कुछ संस्कृत शिक्षक ऐसे हैं जो बराबर निरंतर जिद कर रहे हैं कि हम लोग आत्मदाह करेंगे, तो हो सकता है कि हमारा अगला कार्यक्रम उन संस्कृत शिक्षकों के आत्मदाह पर आधारित हो जाए। लखनऊ से ये थी मोहम्मद ज़ैफ़ रिज़वी की रिपोर्ट।